ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। नवादा लोकसभा सीट पर आप इसे ऐसे देखिए कि आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को इस बार उम्मीदवार बनाया, जबकि नवादा पर राजवल्लभ यादव का परिवार लगातार कैंडिडेट दे रहा था। लेकिन अब एक बार श्रवण कुशवाहा के जरिए आरजेडी यहां सेंधमारी करना चाहता, लेकिन अब मुश्किल बढ़ गई। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र गुहा। नवादा लोकसभा की सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है विवेक ठाकुर। नवादा का भी ये इतिहास रहा है कि हर साल वहाँ के सांसद बदल जा रहे हैं। लगातार 3 बार के चुनाव में आप देखें तो सांसद बदलता है। अब बीजेपी ने विवेक ठाकुर, जो उनके राज्यसभा सांसद हैं, उनको उम्मीदवार बनाया। वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने एक नए उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा पर भाग्य जमाया। लेकिन इन सबसे उतर आरजेडी को ये लगता था कि वहाँ पर उनके विधायक सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। आरजेडी के खिलाफ जाकर विनोद यादव ने भी नामांकन भर दिया। विनोद यादव निर्दलीय उम्मीदवार हैं, राजवल्लभ यादव के परिवार से आते हैं। ऐसे में अब आरजेडी के 2 विधायकों ने भी विनोद यादव के पक्ष में वोट मांगना शुरू कर दिया है। खुलकर वो वोट मांग रहे हैं। आरजेडी विधायक की अगर बात करें, आप मंच पर देख सकते हैं, आरजेडी विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर, ये दोनों आरजेडी से विधायक हैं, लेकिन ये विनोद यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आरजेडी वहां पर इस सीट को जीतेगी कैसे। बल्कि विभा देवी तो मंच से संबोधन में कह भी रही है कि आप विनोद यादव को वोट दीजिए। आप लोग सभी गार्जियन सब रखने के लिए है, आप लोग सुनने लिए हैं। आप लोग जब जो फीस है वो फीस ले करके पॉकेट में रख लेता है, चलते रहता है, तो फीस कै दिन चलेगा? फीस हम लोग लेने वाला नहीं है ना, हम लोग लोभ लालच है, हम लोग के कुर्सी के लोभ लालच नहीं है। हम लोग खाली विकास के काम चाहिए, और विकास के काम करने के लिए नवादा जिला में है कौन? तरजमला प्रसाद, अशोक बाबू, विनोद जाता। आप लोग यही सोच लीजिए कि हमको विकास के काम कौन करेगा? तो विनोद बाबू करेगा। और टेम्पो छाप पर एक एक वोट दे करके विजय बनाइए। 50% विनोद यादव के वोट जाए, 50% में 4 कुटी लगे, 4 भाई खाएगा। नवादा की लोकसभा सीट का अगर आप इतिहास देखें तो 2009 में उस सीट से भोला सिंह चुनाव जीते, 2014 में उस सीट पर गिरिराज सिंह चुनाव जीते, 2019 में उस सीट पर एलजेपी से चंदन सिंह चुनाव जीते, और अब विवेक ठाकुर को इस सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन इस सीट पर मुश्किल ये है कि आरजेडी जो नवादा लोकसभा की सीट के लिए राजवल्लभ यादव के परिवार से ही किसी को कैंडिडेट बनाती थी, उसने इस बार यादव कैंडिडेट की जगह कुशवाहा कैंडिडेट को मैदान में उतारा। तर्क ये था कि एक तो MY समीकरण आरजेडी के साथ इंटैक्ट है, वहीं दूसरी ओर कुशवाहा वोट बैंक में भी सेंधमारी होगी, साथ ही मुकेश सहनी के आने से मल्लाह वोट भी इनके साथ आएगा। पिछड़ा अति पिछड़ा व्यवहार अगर साथ आया तो यहाँ पर फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड का चुनाव हो सकता है, जिसमें जातियों के गुणागणित को अगर देखा जाए तो नवादा की सीट आरजेडी निकाल सकती है। लेकिन अब मुश्किल आन पड़ी है, क्योंकि विनोद यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पक्ष में आरजेडी के विधायक वोट मांग रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर श्रवण कुशवाहा चुनाव जीतेंगे कैसे, और लालू यादव से बैर कर नवादा की सीट पर उनके ही विधायक कब तक अपनी राजनीति करते रहेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।